से भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल अध्यक्ष आनंद उपाध्याय ने हरौली के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई। वहीं भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष जगमोहन खटाना की अध्यक्षता में झील कबाड़ा पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भरतपुर सांसद रंजीता कोहली, विशिष्ट अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य किरण जैन, जिला महामंत्री भगवान दास शर्मा रहे। जयंती पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कृष्ण गौशाला पर जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाकर गौ सेवा की गई। इस दौरान महामंत्री सुधीर भटनागर, महामंत्री विजय सोनी, मंत्री अमित सेन, गजेंद्र धाकड़, भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री अरुण प्रधान, जिला कार्य समिति सदस्य प्रेम शर्मा, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष चतर सिंह सूपा, विजयभान मनोज, बलराम शर्मा आदि मौजूद रहे। तो उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए, आप समाज को मत दीजिए, राष्ट्र को मत दीजिए, उस व्यक्ति पार्टी के महापुरुषों के बारे में सोचिए। आपने बहुत ध्यान से सुना, सम्मान किया, बहुत समस्या जो थी वो उस समय वो बच गया। इधर पंडित जी जो थे उनके विचार पूरे देश में फैल रहे थे। सुंदर सिंह भंडारी जी जो थे उनका सानिध्य रहा, दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ काम करते थे दोनों, सुंदर सिंह भंडारी जी और ये। अब क्या हुआ कि आगे जैसे आए तो जनसंघ की स्थापना हुई 1951 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके अध्यक्ष बनाए गए, ये इनको भी जनसंघ से जोड़ा गया। आज भारतीय जनता पार्टी बयाना ग्रामीण मंडल की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज सभी पार्टी के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में सबने जाना और जिन विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन जिया और जिस तरीके से आज देश और राष्ट्र में उनके विचार और उनके सिद्धांत चल रहे हैं, उन सबको सुनने का और जानने का अवसर मिला। पार्टी पूरे राजस्थान में आज जनसेवा के कार्य कर रही है, उसके अंतर्गत गरीबों में फल वितरण, पशुओं को चारा, बंदरों के लिए